हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल रीड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर विच नेम इट कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th कंप्यूटर। आई एम सोनाली गुप्ता। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एज यू नो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्ड टू रिकॉग्नाइज एंड फॉलो अ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय रिटेनिंग द इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन and working on the data to produce results, often called output. In your previous classes, you have already read about input, output processing, and you also know about the computer is an electronic machine. So, computer is an electronic machine or electronic device. Computer जो है वो एक electronic device है, जिसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है इस तरह से कि वो इंस्ट्रक्शंस पे काम कर सके। इसको विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता है। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डेटा के रूप में इनपुट कराता है। आफ्टर दैट, उस इनपुट के बाद वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। आफ्टर दैट वो मॉनिटर पे मुझे रिजल्ट शो कराता है, जिसको ही हम आउटपुट बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ एबिलिटी टू एक्सेप्ट यूजर सप्लाइड डेटा, इनपुट, स्टोर एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, आउटपुट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। देर आर थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट इज दैट एक्सेप्ट यूजर सप्लाइड डेटा। इट मीन्स कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज एक्सेप्ट द डेटा विच इज़ सप्लाइड बाय द यूज़र। यानी कि कंप्यूटर जो है वो एक्सेप्ट करता है उन डेटास को जो यूज़र सप्लाई करते हैं कंप्यूटर को। आफ्टर दैट इनपुट, स्टोर एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। इनपुट क्या होता है, स्टोर होता है, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड आउटपुट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू यूज़र्स रिक्वायरमेंट। उसके बाद आउटपुट देता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेट्स टॉक अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम। ऑल द कंपोनेंट्स टुगेदर, ऑल द कंपोनेंट्स टुगेदर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक साथ, जब वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का फॉर्म ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ मशीन दैट इज़ डिज़ाइन टू फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज प्रोग्राम्स टू गिव द डिज़ायर्ड रिजल्ट नोन एज आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो है एक मशीन है जो डिज़ाइन किया जाता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस के एक सेट पर वो काम कर सके, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, और उसके बाद फिर गिव द डिज़ायर्ड रिजल्ट, यानी कि हमारे मन चाहा रिजल्ट वो आउटपुट के रूप में दे सके। लेट अस नो हाउ कंप्यूटर वर्क्स इन ब्रीफ। इन ब्रीफ यानी कि शॉर्ट में हम जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। देयर आर थ्री स्टेजेस टू कंप्यूटर प्रोसेस। कंप्यूटर के प्रोसेस में थ्री स्टेजेस हैं। पहला है प्रोसेसिंग इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट रिक्वायर्स स्पेसिफिक डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, विच इनेबल यू टू टेल द कंप्यूटर टू डू समथिंग। इनपुट जो है वो रिक्वायर करता है कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस को, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जो इनेबल करते हैं कंप्यूटर को, ये बताते हैं कि उन्हें कुछ करना है। दिस कैन रेंज फ्रॉम ओपनिंग अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वर्ड्स दैट यू टाइप। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द इंटरफेस, द टूल्स, सो दैट द माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स कैन कैरी आउट योर रिक्वेस्ट। आफ्टर इनपुट द डेटा, द कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस द इनपुट, प्रोसेस द डेटा, एंड आफ्टर दैट शो द रिजल्ट एज आउटपुट। द इमेज ऑन योर स्क्रीन और साउंड फ्रॉम द स्पीकर टेल्स यू दैट द कंप्यूटर हैज़ प्रोसेस्ड योर कमांड एंड हैज़ गिवन यू अ रिजल्ट। जो इमेज आप स्क्रीन पर देखते हैं या साउंड के रूप में स्पीकर से पाते हैं, वो हमें ये बताता है कि कंप्यूटर ने आपके कमांड को प्रोसेस किया है और आपको रिजल्ट दिया है। ये प्रोसेस रिक्वायर करता है इंटरेक्शन कई सारे कंपोनेंट, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूँ तो जस्ट लाइक अ वॉशिंग मशीन, यू ऑल हैव सीन वॉशिंग मशीन, ओके। लाइक द वॉशिंग मशीन, व्हेन वी पुट द डर्टी क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, दिस इज कॉल्ड इनपुट। आफ्टर दैट द वॉशिंग मशीन प्रोसेसेस द, आफ्टर द वॉशिंग मशीन राउंडिंग द क्लोथ्स फॉर वॉशिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द washes clothes, that is
our output. So I think it's simple for you. The fourth main concept components of computer are input devices, output devices, processing devices and storage devices. चार components की बात करें तो computer में input devices, output devices, processing devices and storage devices main components होते हैं, ठीक है. तो अब now come to the one by one and after discussing on it we will move forward. So let's talk about the first one, that is input devices. Let us know some of the modern input devices. We have already know about mouse, keyboard, but there is some latest input devices just like drawing tablet. A drawing tablet, tablet, I think you all have seen the tablet. Here is the picture of the drawing tablet, you can see it. A graphics tablet or digitizer is a computer input device that enable a user to hand draw images and graphics in the similar way as a person draws images with a pencil and paper. जिस तरह से कोई person जो है वो image को pencil और paper के through क्या कर सकता है, draw कर सकता है, उसी तरह हम digitalize या digitally किसी भी picture को या किसी भी चीज़ को tablet पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इन द सिमिलर वे. ओके, दीज टैबलेट्स में ऑल्सो भी यूज टू कैप्चर डेटा एंड हैंड रिटन सिग्नेचर्स. ये टैबलेट्स जो हैं वो कैप्चर करते हैं डेटा को या फिर हमारे हैंड रिटन सिग्नेचर को. इट कैन ऑल्सो भी यूज टू ट्रेस एन इमेज फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर विच इज़ टेप्ड और अदरवाइज सिक्योर टू द सर्फेस. ये ट्रेस करता है इमेज को किसी पीस ऑफ पेपर से भी. देन कम टू द टच स्क्रीन. यू ऑल हैव टच स्क्रीन, यू ऑल हैव सीन द टच स्क्रीन इन योर इन आवर मोबाइल फोन्स. वी हैव टच स्क्रीन. अ टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल हियर इज द टच स्क्रीन. दिस स्क्रीन्स आर सेंसिटिव टू प्रेशर और यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाई टचिंग पिक्चर और वर्ड्स ऑन द स्क्रीन. टच स्क्रीन में जब हम स्क्रीन पर टच करते हैं तो वो क्या होता है, उस पर वो काम करने लगता है. टच स्क्रीन्स आर कॉमनली यूज इन ATMs एंड टैबलेट पीसीज. MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. MICR इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ प्राइमेरली यूज बाई द बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलेट द प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस ऑफ चेक एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. आपने कभी बैंक गए होंगे, मे बी आप, तो आपने चेक के नीचे कुछ बॉटम में नीचे चेक के कुछ प्रिंटेड कैरेक्टर्स देखे होंगे, वो MICR के थ्रू ही होते हैं. हियर इज़ द MICR, यू कैन सी इट. देन कम टू द आउटपुट डिवाइसेस. एन आउटपुट डिवाइसेस इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैरीड आउट बाय CPU ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन इनटू हार्ड कॉपी. आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेट करती हैं रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग के थ्रू हमें डेटा मिल रहा है वो कम्युनिकेट करती हैं आउटपुट डिवाइसेस से. सो कम टू द फर्स्ट वन आउटपुट डिवाइस, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग और इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग विच यूजेज अ प्रिंट हेड दैट रन्स बैक एंड फोर्थ और इन अप एंड डाउन मोशन ऑन द पेज एंड प्रिंट्स अप बाय इम्पैक्ट स्ट्राइकिंग एन इंक सोक क्लोथ रिबन अगेंस्ट द पेपर सिमिलर टू द प्रिंट मैकेनिज्म ऑन ए टाइप राइटर. हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और हियर इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. यू कैन सी इट. हियर इज अ प्रिंट हेड विच रन्स बैक एंड फोर्थ और यू कैन से सीट अप और डाउन विच प्रिंट्स द पेज ईजीली. लेट्स कम ऑन द सेकेंड वन इज इंकजेट प्रिंटर. इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग दैट क्रिएट्स अ डिजिटल इमेज बाई प्रोपेलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इन ऑन टू पेपर. इट मीन्स कि इंकजेट प्रिंटर ऐसा कंप्यूटर प्रिंटर है जो क्रिएट करता है डिजिटल इमेज को किसके थ्रू,
इंक ड्रॉपलेट्स इंक की बूंदों को पेपर पे छिड़क करके। इंकजेट प्रिंटर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ प्रिंटर एंड रेंज फ्रॉम स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंज्यूमर मॉडल्स टू वेरी लार्ज एंड इनएक्सपेंसिव प्रोफेशनल मशीन्स। इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, ऐसे प्रिंटर्स हैं ये, और इसकी जो रेंज होती है वो इनएक्सपेंसिव होती है, यानी कंज्यूमर के रेट में आती है। नेक्स्ट कम टू द लेज़र प्रिंटर। हियर इज़ द लेज़र प्रिंटर, यू कैन सी इट इजीली। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूटिलाइजेज अ लेज़र बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन ए ड्रम। ये ऐसा प्रिंटर है जो यूटिलाइज़ करता है लेज़र बीम को, यानी किरणों की सहायता से ये एक इमेज को प्रोड्यूस कर सकता है। द लाइट ऑफ द लेज़र एल्टर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ड्रम वेदर इट हीट्स। द ड्रम इज देन रोल्ड थ्रू अ रिजर्वियर ऑफ टोनर विच इज़ पिक्ड अप बाय द चार्ज पोर्शंस ऑफ द ड्रम। फाइनली द टोनर इज ट्रांसफर्ड टू द पेपर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। दिस इज ऑल्सो द वे कॉपी मशीन्स वर्क। ये एक कॉपी जो कॉपी स्टेट कॉपी या फिर जीरोक्स कॉपी के लिए जो यूज़ होता है, जस्ट लाइक वैसा ही प्रिंटर ये होता है। आजकल तो दोनों कंबाइन में आ रहा है, तो यू कैन ईजिली सी इट एनी वेयर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग डिवाइसेस, सो कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।